गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास सेकेंड मैथ। आज हम आपको पढ़ाएंगे वंस, टेंस और हंड्रेड। ओके, जब हम किसी एक नंबर को लिखते हैं, खाली वो एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया थ्री, तो ये वंस है, इसको हम वंस में पढ़ेंगे, इसको हिंदी में इकाई भी बोलते हैं। उसके बाद है टेंस। टेंस में यहाँ पर टेन के, नाइन के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो टेंस में आते हैं। जैसे नाइन के बाद 10, 11, तो यहां हमने ले लिया 10, ये हो गया आपका टेंस। टेंस को हिंदी में दहाई बोलते हैं। उसके बाद है 100। 100 में, 100 में आप 100 लिखिए, 100, और इसको हिंदी में 100 को बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, अब इस नंबर को अगर हमको शॉर्ट में लिखना होगा, अगर हम इसको शॉर्ट में जब लिखेंगे इसको, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 के लिए हम यहाँ पर टेंस का 1 लेंगे, उसके बाद जो 3 है ये वंस, ये हो जाएगा 3। यहां आपका हो गया 3, हो गया वंस, 1 हो गया टेंस, और ये 1 हो गया आपका 100। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 113। ओके, समझ में आया आपकी? 113। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। पेज नंबर 4, प्रैक्टिस कोच। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द बॉक्सेस। वही ये सेम यहां पर भी है, वंस, टेंस और 100। यहां पर नंबर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है 100 प्लस 20 प्लस 2। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 122। सेकेंड, 100 प्लस 40 प्लस 7 इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में आपका कितना हो जाएगा? 147। ओके, सी 100 प्लस 0 प्लस 8, यहां पर आपका शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा 108, क्योंकि यहां पर टेंस है। ओके, डी 100 प्लस 30 प्लस 7, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना होगा? 137। ओके, नेक्स्ट ई 100 प्लस 70 प्लस 4, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 174। ये आपका लॉन्ग फॉर्म है, 100 प्लस 20 प्लस 2, इसको हम लॉन्ग फॉर्म में लिखें, ये लॉन्ग फॉर्म है, इसको जब हम शॉर्ट में करेंगे तो 122 हो जाएगा ये। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? थैंक यू।